मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। कैसे हैं आप सब? आप सब लल्लन टॉप से इतना प्यार करते हैं तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको ये बताया जाए कि लल्लन टॉप के ऑफिस में काम कैसे होता है। तो चलिए दिखाते हैं आपको आज ऑफिस में क्या हो रहा है। जाऊंगा पर अभी नहीं। नियम बना लो एकदम, शादी की सालगिरह के आसपास छुट्टी चलता रहेगा। बात तो सही है। कल सौरभ त्रिपाठी की ना एनिवर्सरी थी और सौरभ सर आज उनको बोल रहे हैं कि भाई तुमने छुट्टी क्यों नहीं ली। अड्डा से नहीं रहूंगा तो फिर अड्डे के हिसाब से शादी करनी चाहिए। यह दत्ता स्पोर्ट्स टीम के एडिटर हैं, कोई लाइव करने में बिजी है, इन्हें ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं। हम मतलब पूरी एशियन टीम भी जीतती है तो क्या नाचोगे? तो आने की ना दाढ़ी को लेकर यहाँ पर सौरभ सर उसको कुछ बोल रहे हैं, मतलब उसकी दाढ़ी को लेकर जल लगा रखो। अरे डर क्यों रहा है? ऐसे दाढ़ी रूखी रूखी हो रही है। चुकी देखो ये सब क्या है सौरभ सर? नाव बना रही हूँ। यो व्हाट इज दिस? पहले बता दे थोड़ा अच्छे से बैठ। ये है समोसे और इमरतियाँ और कारण है इसका थोड़ी शर्म आदि है, आनी भी चाहिए। हमारी शादी को एक साल हो गए तो पिछले साल 21 नवंबर को हम निपट गए थे, अब उसका जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि मनाया जाता है इसलिए हम भी मना रहे हैं। निहार का तो निपटने वाली है भी बहुत जल्द। खिलानी पड़ेगी बिल्कुल। एक्साइटिंग सबसे पहले ये सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो यही लड़की रहती है। मतलब सबकी शादी में मैं भी वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवानी की जगह बेगानी शादी में सोनल दीवानी करता रहता। अभी यहाँ पे रजत और रूहानी आपको थोड़ा सीरियसली खड़े हुए नजर आ रहे होंगे क्योंकि सौरभ सर प्रोमो चेक कर रहे हैं। रजत क्या हो रहे हैं? ये हम लोग अभी गुजरात में जिग्नेश मेवानी का इंटरव्यू करके आए, लॉन्ग फॉर्म जमघट हमारी सीरीज है उसका अभी प्रोमो चेक हो रहा है और अभी हम खाली के एक दो दिन में वो रिलीज करना शुरू करेंगे। आपको पूरा न्यूज रूम खाली दिख रहा होगा, सिर्फ अमित जी आए। सर आप कहाँ जा रहे हैं? समोसा खाने? ठीक है चलिए मैं भी चलती हूँ, मेरे को जाना पड़ेगा। ये देखिए वो जो न्यूज रूम आपको अभी सारा खाली दिखाई दे रहा था ना, वो सारे के सारे लोग यहाँ है इस वक्त। क्या कर रहे हो तुम? ये अब शादी के फोटोग्राफर की तरह सबको जाकर के वीडियो में रिकॉर्ड करूंगी और ये बताऊंगी कि किसने कितने समोसे खाए। नहीं सर मुंह नहीं छुपाइए सर। नहीं नहीं अब सौरभ सर भी आ गए और यहाँ पर किस्सा सुना रहे थे सौरभ सर कि एक दिन इन्होंने 11 समोसे खा लिए थे। चलिए इनसे ही सुन लेते हैं एक बार कि कब था वो दिन जब इन्होंने 11 समोसे। सर कितने समोसे खाए आपने? कितने समोसे खाए आज की उस दिन? आज तो सिर्फ दो खाए, वो भी पपड़ी हटा के। उस दिन 8-10 खाए। मेरे को लगता है एक दिन मैं इतना स्वस्थ हो जाना चाहता हूँ कि मैं एक दिन बैठ के 18-20-21 समोसे खाऊं। बहुत अच्छे बने और किशमिश वाले समोसे, उसमें किशमिश हो, काजू हो, मटर हो और आलू अंदर से कच्चा ना निकले। उसकी मेंशन ऐसी होगी वो जब तक तेल में से निकाल लेते थे ना हाथ से, जैसे आलू रहा होगा वो बेवा। अब हमें एक दिन रात की बात है, उनको रात को कल पता चल गया था कि पार्टी जी की एंगेजमेंट की सेरेमनी। क्या बोला तूने? सॉरी शादी की सालगिरह है, शादी की समोसे खा लिए इनको पता है। लेकिन फिर हमने सोचा उनके पैसे बच जाए तो हमने किसी से नहीं बताया, लेकिन फिर आए सौरभ सर। थैंक्स टू सौरभ सर। अच्छा समोसे खत्म, पैसा हजम, अब सब आ गए अंदर काम पे लगने से पहले सब लोग तरुंगी यहाँ पर चिकाई कर रहे हैं। कुछ नहीं बोल रहा मेरे को, हम लोगों ने पहले समोसे खाए आपने देखा हाँ। उसके बाद मिठाई में क्या था बताइए? कुछ मीठा मीठा मीठा। अच्छा मेरी ये बता दे कि जो जिसने वो गाया तू किसी रेल से गुजरती है वो किसने गाया? पता नहीं नाम क्या दिया। हमारे यहाँ लल्लन टॉप अड्डा पे ऑन कैमरा है एक शख्स आया था जिनका सरनेम किरकिरे था और उनका पहला नाम क्या है? पहला नाम क्या है? हिंसक क्यों हो रहा है यार? ये क्या तरीका घेर के बता दे भाई, बता दे फिर मंगा दे, बता दे। स्वानंद स्वानंद पांच के बाद क्या आता है? पांच के बाद आता है सिक्स छः क्या होता है तरुण और काओ को हिंदी में क्या कहते हैं?
आज के ब्लॉग में इतना ही, छोटा सा ब्लॉग था। अब हम आपको रोजाना ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि ऑफिस में किस तरह से सब कुछ होता है, किस तरीके से ललन टॉप के ऑफिस में काम होता है, ताकि हम और आप आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहें। आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय।